नमस्ते, इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनिटा डिसोसा। आज हम एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग पित्त असंतुलन विकारों के उपचार में किया जाता है। नाम है अविपत्ति चूर्णम। अविपत्ति चूर्ण का उपयोग के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग गैस्ट्राइटिस, माइग्रेन, सर दर्द, पूरे शरीर में जलन, प्यास और पाचन में वृद्धि, सूरज के कारण थकावट, सनबर्न, सिर चकराना, डिजीनेस, पीलिया या जॉन्डिस, मकड़ी और चूहे के जहर का इलाज आदि रोगों में किया जाता है। यह पतझड़ के मौसम में उच्च पित्त को संतुलित करने के लिए विरेचन थेरेपी में उपयोग किया जाता है। पित्त निष्कासन के साथ यह दवा असंतुलित वात को भी उचित दिशा में लाती है। इस प्रोसेस को वात अनुलोमन कहा जाता है। डॉक्टर्स इस दवा का उपयोग अन्य उपचारों में भी करते हैं, जैसे पित्तशय की पत्थरी, यकृत विकार, वजन कटाने की चिकित्सा आदि। अविपत्ति चूर्ण की सामग्री के बारे में जानेंगे। इसमें त्रिकटु यानी काली मिर्च, पिपली और अदरक का मिश्रण, यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में उपयुक्त है, और दालचीनी, पत्र, इलायची, मुस्ता, विड़ंगा, जो आंतों के कीड़ों को निकालने में बहुत लाभकारी है, त्रिव्रत, यह इस मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो अधिक खुराक में विरेचन कराता है, और आंवला और चीनी, यह दोनों पित्त शामक है। अविपत्ति चूर्ण की खुराक और दवा का समय चिकित्सक के निर्णय पर निर्भर है। आमतौर पर इसे 1 से 3 ग्राम दिन में 1 या 2 बार भोजन से पहले या बाद में दिया जाता है। शास्त्र के अनुसार कम मात्रा में शहद या गर्म पानी के साथ मिलाकर छोटी गोली के रूप में इसका सेवन किया जाता है। अविपत्ति चूर्ण के दुष्प्रभाव, क्योंकि इसमें चीनी होती है, मधुमेह रोगियों में इसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। उच्च खुराक से दस्त और पेट में दर्द हो सकता है। गर्भवती स्तनपान की अवधि में और बच्चों में इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसका रेफरेंस सहस्त्र योग, चूर्ण प्रकरण और अष्टांग हृदय से लिया है। इसका श्लोक व्योषा त्रिजातक का अम्बोधा कृमिघ्ना आमलक ही त्रिव्रत सर्वे समस्या मसिता शौद्रीण गुलिकी कृता अविपत्तिरियम नामना प्रशस्त पित्त रोगिणाम। इसके निर्माण एवीएन, एवीपी, कोटेकल, आर्य वैद्यशाला आदि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com।